हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे कि मृदा का जो प्रदूषण है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने मेनली ये देखा कि जो एक्चुअली में कि जो सॉइल होती है वो क्या होती है। अब देखिए, सॉइल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, वो जो मतलब मिट्टी है उसके लिए वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मतलब जनरल चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डायरेक्ट खुद अपने डेली लाइफ से जोड़ के भी हम उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? टॉपिक चल रहा था हमारा सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। देखिए, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है वो किस तरीके से होता है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया कि मिट्टी क्या होती है, उसके लिए मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे तत्व तो है जहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो किस किस से क्रियाएं करती है, ठीक है। अभी देखिए, मिट्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर बात करती हूँ इसके फंक्शन की, कि जो मिट्टी होती है इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो पहला क्या, जो स्थलीय पौधे होते हैं उन पौधों को क्या करना, जल उपलब्ध कराना, कैसे, देखिए जल कैसे उपलब्ध कराएंगे, जड़ें कहाँ होती हैं, वो मिट्टी के अंदर होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो उसको अवशोषित कर, उस मिट्टी के अंदर होती है जड़ें, सबसे पहले बात हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम पानी देते हैं उसके अंदर, तो वो पानी जो है वो हम कहाँ पे देते हैं, वो पानी हम उसकी जड़ों में देते हैं। तो क्या हम जड़ों में क्यों देते हैं, क्योंकि जो जड़ें होती है उनके अंदर एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, उनके अंदर जल अवशोषण की क्षमता होती है, वो क्या कर सकती हैं, वो जल को अवशोषित कर सकती हैं। इसीलिए क्या डाला जाता है, जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती हैं नीचे वाले पार्ट में खड़ा करके और पानी जो है वो डाला जाता है, ठीक है, ये बात होती है। अब देखिए, सबसे पहला काम तो क्या हो गया, वो क्या करेगा, जो जड़ें होती हैं उनसे जल अवशोषित करेगा, उस जल को अवशोषित करके, उस जल को एब्जॉर्ब करके, और कहाँ तक पहुँचाना है उसको, प्लांट के ऊपरी भाग उस तक पहुँचाना है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, जो पौधे होते हैं उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो आवश्यकताएँ हैं उनको कम्प्लीट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर क्या पैदा होती हैं, जैसे हमारी फसलें हैं वो पैदा हो रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, जैविक पदार्थों की पूर्ति। इसका मतलब क्या है, जैविक पदार्थों की पूर्ति, देखिए इसका मतलब ये है कि जो चीजें जीवों के लिए जरूरी होती हैं उनकी पूर्ति कौन करता है, उनकी पूर्ति सोयल करती है, कैसे, देखिए सबसे पहले अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो वो टॉपिक तो चल ही रहा है हमारा। प्लांट्स के अंदर क्या, देखिए प्लांट क्या होता है, मिट्टी के अंदर स्थिर रहता है, ठीक है। तो उसकी मैं बात करती हूँ बारी बारी से, पहले मैं इसमें क्या ले रही हूँ, प्लांट की बात कर रही हूँ। पहला तो पौधे को क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण करेगा, फर्स्ट काम तो हो गया इसका कि जल का क्या करेगा, ये अवशोषण करेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या करेगा, पादप कहाँ पे रहते हैं, वो जमीन के अंदर, उसके जड़ों वाला जो पार्ट होता है जमीन के अंदर रहता है, तो क्या करता है, जो प्लांट है उसको भूमि में स्थिर रखता है, किसके अंदर स्थिर रखता है उसको, भूमि के अंदर, मिट्टी तो रखती है, उस मिट्टी के अंदर प्लांट जो क्या रहते हैं वो स्थिर रहते हैं, तो उस भूमि के नीचे प्लांट को फिक्स, अब भूमि बोल रहे हैं हम उसको,
कहाँ से क्या कर रहा है, इसका मतलब मिट्टी तो उसको जकड़ रही है, दूसरा आता है। तो देखिए इसके अंदर ही जो प्रोसेस होती है, जड़ें क्या कर रही हैं, अवशोषित कर रही हैं, और कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसकी जड़ों के अंदर स्पेशल करेक्टर्स पाए जाते हैं, वो कैसे, उनकी जो जड़ें होती हैं वो अलग तरीके से काम करने लग जाती हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन जो है वो करने लग जाती है। उनकी जड़ें क्या करती हैं, वो पादप जो नॉर्मली तो हम क्या पढ़ते हैं कि जड़ें क्या होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन जब वो उनके अंदर स्पेशल कंडीशन होते क्या होती है, वो जड़ें भूमि से ऊपर आने लग जाती है, या फिर जैसे जो प्लांट है तो उसके ऊपर की पत्तियों के साइड से शाखाओं से निकलने लग जाती है, तो वो कुछ स्पेशल कंडीशन होती है उनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करती है, जड़ें पादप को भूमि में स्थिर रखती हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करती है, और एक तरीके से हम देखें तो क्या हम क्या बोल रहे हैं, जैविक पदार्थों की पूर्ति। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मनुष्य मानव जो होता है उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है, उसकी आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। कैसे, देखिए हम हमारी मुख्य रूप से जरूरत की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, देखिए रोटी, कपड़ा और मकान, हमें रोटी हम बना रहे हैं, खाना हम बना रहे हैं, तो खाने के लिए मुख्य रूप से हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम मुख्य रूप से प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर पौधे, और पौधे कहाँ उगते हैं, पौधे जमीन में उगते हैं, और अगर मान लीजिए जब मिट्टी ही नहीं होगी तो पौधे कहाँ उगेंगे, आपको भोजन कहाँ से मिलेगा, आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ये भी तो बात है। इसीलिए यहाँ पे तो पहली आवश्यकता होगी रोटी, कपड़े वगैरह जो हम कपड़े बनाते हैं वो भी तो क्या बनते हैं, रेशों के बनते हैं, उसके लिए जैसे कुछ ना कुछ प्रोसेस की जाती है, तो जो वो सारे प्रोसेस किसी ना किसी तरीके से हम डिपेंड जरूर करते हैं, जमीन चाहिए हमें मकान बनाने के लिए। तो एक्चुअल में देखें तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं मुख्य रूप से मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जिसको हम जैविक पदार्थ बोल, जैविक मतलब प्लांट्स की भी आवश्यकताएं पूरी करें, मनुष्य की भी आवश्यकताएं पूरी कर रही है मिट्टी। इसीलिए हमने क्या बोला इसको कि मिट्टी जो है वो जरूरी है। अगर इसके अंदर हम बात करें जैसे मिट्टी है, हम मिट्टी बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं, देखिए इकाई हर चीज की होती है, यूनिट हर चीज की होती है, अब इनकी भी तो कोई एक इकाई होती है। देखिए मिट्टी के अंदर क्या, मिट्टी के कण है छोटे छोटे, उन सब ने ही तो मिलकर मिट्टी का फॉर्मेशन किया है, तो उसके अंदर क्या होता है अलग अलग टाइप के, और मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसे हमेशा बोलते हैं कि आप अभी हम आगे चलते पढ़ते जाएंगे तब बताएंगे, मिट्टी के अलग अलग टाइप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनका जो रेशियो होता है किसका, इनके पार्टिकल्स का, तो क्या होता है अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका अलग अलग अनुपात होता है, उसके साथ में जो जुड़ो कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इनके अंदर की जो प्रोसेस है, आप ये चीज सोचिए, जड़े जो है वो जल अवशोषित करे, इसका मतलब उसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हुई, ठीक है, वो चीज हम पढ़ते हैं। हम पहले बात कर रहे हैं किस किस के पार्टिकल्स की, इसके कणों की, कि मिट्टी के अंदर क्या होता है, उसमें अलग अलग टाइप के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार, और दूसरी बात देखी जाए तो अनुपात के, विभिन्न अनुपात के क्या पाए जाते हैं, कण जो होते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं, इस अनुपात में इसके जो कण हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वो जुड़े पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि खुद देखिए, अब आप एक बात बताइए, प्लांट्स जड़ों के अंदर हैं, और जो प्लांट्स के जो जड़ है वो किसके अंदर है, वो जड़ उस मिट्टी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए जड़े उसकी मिट्टी के अंदर है, अब क्या होगा, जब जड़े ही इसकी मिट्टी के अंदर है तो उसका अवशोषित कर, इसका मतलब जड़े भी तो थोड़ा कुछ काम कर रही होगी, जड़े क्या करती हैं, पादों को भूमि में स्थिर रख रही हैं। मैंने आपको यहाँ पे बोला पादों को भूमि, अरे मुख्य रूप से अगर देखें तो भूमि में स्थिर रख कौन रहा है, मिट्टी ने ही तो बांध रखा है उसको जड़ों को, तभी तो वो भूमि में स्थिर है। हम ये फंक्शन जड़ों में बताते तो बताते कि जड़े जो होती है पादप को भूमि में स्थिर रखते, जड़े जाकर मिट्टी नहीं होगी तो रखो जड़ों को पादप कैसे रुकेगा, इसलिए मैंने आपको लिखा है। क्योंकि जनरली आपको जब आप रूट्स वगैरह के फंक्शन पढ़ते हो तब आपको ये सुनने को मिलता है कि जड़े पादप को भूमि में स्थिर रखती है, अगर एक्चुअल में देखे तो कौन स्थिर रख रहा है, मिट्टी रख रही है। मिट्टी नहीं होगी तो आप जड़ों समेत उखाड़ के पादप को छोड़ दो, अगर वो वहीं पर ग्रो कर जाएगा क्या, अगर वो रुक जाएगा क्या,
ठीक है। अब इतना जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट सिलेबस और भी सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड करवाएगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। और अगर मान लीजिए आपने पीछे का हमारा कोई वीडियो है, ऐसे ये जो चैप्टर टू चैप्टर डाले हुए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं आपने, तो आप इंटरनेट पढ़े की प्लेलिस्ट में जाके सारे जो वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हो। वहाँ पे चैप्टर के नेम वाइज पूरा जो मैटर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। और फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये बात है कि मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग अनुपात के अंदर जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो जुड़े हुए तो हैं, अब देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मैं अब बात करती हूँ सोयल पार्टिकल्स की, मिट्टी के कणों। देखिए मिट्टी के कणों, आप देखिए चीज सोच के कि मिट्टी के अंदर पानी रुक कैसे जाता है, उसके अंदर कण भी प्रेजेंट है। कुछ तो ऐसी चीज होगी, मतलब कुछ तो क्रिया होती होगी जिसके अंदर क्या होता है प्रोसेस। देखिए मिट्टी के कण प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, वायु और जल क्या होते हैं उससे भरे स्थान क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यदि इस अगर इसकी बात करें हम मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, और अगर मिट्टी के अंदर क्या कर सके, वायु अच्छे से भर सके, एक पोजीशन ये, दूसरा उसके अंदर वायु अच्छे से नहीं भर सके, अगर उसके अंदर वायु अच्छे से नहीं भर सकती है तो क्या उसके अंदर जल जो होता है उन छेद को अंदर, मतलब ये पार्टिकल्स उसके बीच में अब जुड़ेंगे। मान लीजिए आप एक तरीके से लगा जाए, इस टाइप के पार्टिकल्स हैं ये जुड़े हुए हैं ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, तो इसके अंदर क्या पहुंच जाएगा, इसके अंदर जल इजीली भर सकता है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट कंडीशन हम कौन से लिखें कि इसमें के अंदर क्या होता है, वायु और जल से भरे स्थान क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, स्थान इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वो स्थान तो इसके अंदर पाए जाते हैं, वो बात तो ठीक है कि वो स्थान इसके अंदर पाए जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कंडीशन अलग अलग होगी। मैं एक बोलूं कि ये तो सोयल है, उसके लिए एक वर्ड लूं मैं सुवातित, सुवर्ड किसके लिए जाता है, अच्छे के लिए, मतलब उसके अंदर अच्छे से वायु का भरना, ठीक है। अगर उसके अंदर ये कंडीशन होती है, अगर उसके अंदर ये कंडीशन होती है, दूसरी स्थिति क्या होती है, अगर ये कंडीशन नहीं हो, मतलब जो सोयल के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर अगर अच्छे से वायु नहीं भर सके तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स के बीच में जो छेद होते हैं उन छिद्रों में क्या भर सकता है, उनमें जल भर सकता है, ठीक है। इन छिद्रों के अंदर क्या भर जाएगा, छिद्र किससे भर जाएंगे, जल से, ठीक है। ये चीज बताने की कोशिश कर रही हूं मैं, अगर उनके अंदर वायु नहीं भर सकती अच्छे से तो पानी क्या हो सकता है, आराम से उसके अंदर भर सकता है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, तो अगर ऐसे लगा लीजिए, मतलब कब कंडीशन है ये कंडीशन तब है जब उसके अंदर क्या है, जो वायु है वो अच्छे से नहीं भर सकती है, तो वो क्या होते हैं, छेद जो होते हैं वो जल से क्या होते हैं, जल से फूल भर जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, जब प्लांट की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसको क्या होते हैं, वो रोक देते हैं ज्यादा उसके। अब और अगर क्या हो, वहां से थोड़ा पानी निकलने की क्षमता हो, वहां से पानी के निकलने का जैसे जो व्यवस्था है वो अगर पूरी तरह से नहीं हो तो वो जो मिट्टी होती है किससे भर जाएगी, वो पानी से भर जाएगी, ठीक है। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, क्योंकि मिट्टी के जो कण उसके अंदर क्या थोड़े छेद भी प्रेजेंट है उसके अंदर उन पार्टिकल्स के बीच में, तो वो जो पार्टिकल्स है मेनली उसके बीच में वो भर भी सकती है, कंडीशन वो होती है, भर सकती है तो उसको सुवातित बोलते हैं, नहीं भर सकती है तो जब उसके अंदर प्रोसेस नहीं होता क्या होता है, छेद क्या हो जाएंगे, जल से भर जाएंगे और क्या करेंगे, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको रोकेंगे, ठीक है। अगर जब उन छेद के अंदर तभी उनको क्या होना है, पानी बाहर निकलेगा तभी तो जड़ें उसको अवशोषित करेंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। दूसरा, वहां से जब जल निकलने की व्यवस्था ही नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है,
वो जल निकासी मतलब निकल नहीं सकता वहां से, तो वो कैसे हो जाएगी, वो जल से भर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं किसके अंदर, ये कंडीशन होती है मिट्टी के अंदर। अगर हम देखें कि जो मेनली उसके टाइप मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जिसके कारण प्रदूषण फैलेगा, तो अब हमारा बेसिक पार्ट रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमारा बेसिक रेडी है कि हम ये इजीली अब पढ़ सकते हैं, हम के पोल्यूशन क्या होता है, इसीलिए ये चीजें जानना जरूरी थी। सो मैंने आपको पहले इसके बारे में पढ़ाया, अब बताते हैं आपके कल के क्वेश्चन की रिप्लाई देने की। देखिए आप, मैंने पूछा था कि जो जीवाणु का भक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं, उनको जीवाणु भोजी कहते हैं या फिर बैक्टीरियो फेज कहते हैं। ठीक है, ये तो है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई। और नेक्स्ट बात आती है आज के क्वेश्चन की कि आज का क्वेश्चन जो है वो क्या होगा। ठीक है, देखिए आज के क्वेश्चन जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, पेड़ पौधों के अंदर भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो किस रूप में संचित होते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।